एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। और आ चुका हूँ एक और नए एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। आज के इस वीडियो पे न्यू इंस्टाग्राम पर जो वायरल चल रहे रील्स कैसे क्रिएट करने हैं आज के इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करें। और गाइज, इस वीडियो पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है साउंड बीट में प्रोजेक्ट से के फिर पेसेट, ऑल मटेरियल्स आप लोगों को मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों को ऑल मटेरियल्स डाउनलोड करना है। इसके बाद में एडिटिंग के रिलेटेड किसी भी टाइप प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। और गाइस, प्रीव्यू दिखाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर कोई भी न्यू पहली बार आए तो जरूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हो, लाइक और डिसलाइक में से एक बटन जरूर से दबा कर जाए। नीचे कमेंट करने का मन हो तो कमेंट भी कर सकते हो। आप लोगों को पहले प्रीव्यू दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। आज का प्रीव्यू कुछ इस टाइप से देखने मिलेगा। अलाइट मशीन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आप लोगों को इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आपको मेरे वेबसाइट से बीटमैप प्रोजेक्ट एंड शेक इफेक्ट प्रीसेट अपनी अलाइट मशीन में इंपोर्ट करके आप लोगों को पहले बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करना है। बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी पेट्स देखने मिलेगा। अब आपको गाइज यहाँ पे स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद प्लस सिंबल पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद इमेज एडिटर पर क्लिक करके आप किस फोटो से अपना स्टेटस फोटो बनाना चाहते हो उस फोटो को आप लोग सिंपली सेलेक्ट करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद रीडर सेक्शन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरर पर क्लिक करना है। उसके बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करके पूरी मॉडल इमेज को हमारे बीट तक एक्सटेंड करना है। मॉडल इमेज को बीट तक एक्सटेंड करने के बाद फिर से प्लस सिंबल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज एडिटर पर क्लिक करके अब आपको सेकेंड इमेजेस ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर से थ्रीडी ऑप्शन पर क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरर पर क्लिक करना है। उसके बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोगों को एक्स्ट्रा पार्ट क्रॉप करना है। आप लोगों को कुछ इसी टाइप से स्टेप फॉलो करते बीटमैप प्रोजेक्ट खत्म होने तक सभी मॉडल इमेजेस ऐड करना है। सो गाइस, मैं जल्दी से सारे मॉडल इमेजेस ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस, मैंने वीडियो स्किप करके सारे मॉडल इमेजेस ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ। आप लोगों को कुछ इसी टाइप से सभी मॉडल इमेजेस ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट करना है। गाइस, यहाँ पे आप लोग देखे तो इन सभी मॉडल इमेजेस पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को मैं वेबसाइट पे जो शेक इफेक्ट प्रीसेट प्रोवाइड किया था उस शेक इफेक्ट प्रीसेट अपनी अलाइट मशीन में इंपोर्ट करके ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को तीन इफेक्ट देखने मिलेगा। अब आपको फर्स्ट इफेक्ट कॉपी करना है। फर्स्ट इफेक्ट कॉपी करने के लिए फर्स्ट मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉपी लेयर करना है। कॉपी लेयर करने के बाद सिंपली बैक आना है। बैक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करना है। बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पे फर्स्ट सबसे बड़े ड्यूरेशन फोटो पर ये फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। उसके लिए इस मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नीचे पे स्टाइल ऑप्शन देखने मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को पहले इस एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद इस कलर आप लोगों को अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ए फर्स्ट वाला इफेक्ट इस मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद फिर से शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद अब आपको सेकेंड इफेक्ट सिंपली कॉपी करना है। सेकेंड इफेक्ट कॉपी करने के बाद गाइज अब आपको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करना है। बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे बीट्स पर आना है। बीट्स पर आने के बाद अब आपको सेकेंड मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में थ्रीडी ऑप्शन पर यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट इफेक्ट अप्लाई करना है। अब आपको एक मॉडल इमेज गैप देने की, अब देने के बाद इस मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्रीडी ऑप्शन पर यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड इफेक्ट अप्लाई करना है। आप लोगों को कुछ इसी टाइप से बीटमैप प्रोजेक्ट खत्म होने तक सेकेंड इफेक्ट अप्लाई करना है। गाइज, मैंने एक मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के बाद एक मॉडल इमेज गैप देखे इसी टाइप सेकेंड इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। अब हम किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सभी मॉडल इमेजेस पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे थर्ड इफेक्ट कॉपी करना है। थर्ड इफेक्ट कॉपी करने के लिए थर्ड मॉडल इमेजेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉपी लेयर करना है। कॉपी लेयर करने के बाद सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद गाइज अब आपको फिर से बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करना है। बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको बीट्स पर आना है। बीट्स पर आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेकेंड मॉडल इमेज पर हमने सेकेंड वाला इफेक्ट अप्लाई किया था।
उसके नेक्स्ट मॉडल इमेज हमने गैप दिया था। अब आपको गैप दिए मॉडल इमेज पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पे स्टाइल ऑप्शन देखने मिलेगा। अब आपको इस एरो पर क्लिक करनी, एरो पर क्लिक करने के बाद इस कलर ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करके एंटी करना, एंटी करने के बाद पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करने, पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये थर्ड इफेक्ट इस मॉडल इमेज पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके नेक्स्ट मॉडल इमेज पर हमने ऑलरेडी इफेक्ट अप्लाई किया था, ये वाला मॉडल इमेज पर हमने इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था। अब आपको फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट स्टाइल ऑप्शन पर क्लिक करने, क्लिक करने के बाद इस मॉडल इमेज पर ये थर्ड इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। हम किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सभी मॉडल इमेजेस पर ये थर्ड इफेक्ट अप्लाई करना है। सो गाइस, मैंने किन किन मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई नहीं किया था उन सभी मॉडल इमेजेस पर ये थर्ड इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आप लोग सीसी प्रोजेक्ट ऐड करना चाहते हो तो शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करना है। शेक इफेक्ट प्रीसेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सीसी प्रोजेक्ट दिया हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सीसी प्रोजेक्ट कॉपी करने के लिए इस टाइप आप लोग प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉपी लेयर करना है। कॉपी लेयर करने के बाद सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करना है। बीटमैप प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद अब आपको फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट लेयर करना है। पेस्ट लेयर करने के बाद ये सी सी प्रोजेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वीडियो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। इतने स्टेप करने के बाद आपका वीडियो पूरा रेडी होकर बन जाएगा। अब आपको वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को सिंपली शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को वीडियो एक्सपोर्ट करना है।